मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के अवसर पर रायपुर के राम मंदिर में दर्शन करने पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की पत्नी वीणा सिंह ने कहा है कि भगवान राम की ही कृपा है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो यह संभव नहीं होता। वीणा सिंह से खास बातचीत की है संवाददाता आशीष तिवारी ने। राम की भक्ति में पूरा देश पूरी दुनिया आज सराबोर है। अयोध्या में 500 सालों के संघर्ष के बाद भगवान राम के मंदिर के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों इस भूमि पूजन के कार्यक्रम को अंजाम दिया। इस वक्त हम रायपुर के राम मंदिर में खड़े हैं। थोड़ी देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सब परिवार इस मंदिर में आकर पूजा अर्चना की है। उनकी धर्मपत्नी वीणा सिंह जी इस वक्त हमारे साथ है। आज देश राम में है, सब उन्हीं की कृपा है। वही जो चाहते हैं वही करवाते हैं। उनकी इच्छा हो गई कि कलयुग घोर आ गया है, हम सबको अब अपने घर में बैठ के और देश का प्रशासन संभालना चाहिए, तो भगवान उसी हिसाब से करवाए हैं। मोदी जी ने किया है और मोदी जी नहीं होते तो शायद संभव नहीं था। डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी एक वाक्य जिक्र किया कि वो भी अयोध्या गए थे, अयोध्या से उनका भी जुड़ाव रहा है। आपको भी कुछ ऐसी चीज़ें साझा उन्होंने की होगी? हाँ, ये दो बार जा चुके हैं अयोध्या और एक बार तो इसी में मंदिर जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तब भी गए थे। पर ठीक है, जुड़ाव तो उनसे रहेगा ही, वो उनको छोड़ के आदमी कहाँ जाएगा। उन्हीं के पीछे पैदा हुए हैं, वही जैसा रखे हैं वैसा रहे हैं। अब उन्हीं की कृपा है जो आज उनका घर मंदिर बन रहा है। हम सब उन्हीं की कृपा से, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के सभी स्त्री पुरुष सबको उनकी कृपा बनी रहे, सब लोग अच्छे से रहें, सुखी रहें, अब इस बीमारी से भी लड़ने की क्षमता मिले सबको। महत्वपूर्ण बात है कि कोरोना चल रहा है और राम मंदिर जब यहाँ पर अग्रसर हुआ है, एक रास्ता की अयोध्या में राम का दरबार बनेगा, भूमि पूजन का कार्यक्रम आज हुआ है, तो एक बड़ी प्रार्थना भी भगवान राम से लोग अब कर रहे हैं कि कोरोना की जो महामारी है वो भी दूर हो। विज्ञान और अध्यात्म का कोई प्रत्यक्ष जुड़ाव नहीं है लेकिन एक आस्था जरूर भगवान राम पर है। आप अब अयोध्या में तो मंदिर बन रहा है, थोड़ा वक्त भी लगेगा, लेकिन अब आपके मन में भी ख्वाहिशें होंगी कि अयोध्या जाकर दर्शन कराने की? आज ही हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग साल के अंदर ही चलेंगे, दर्शन करके आएंगे अयोध्या रामलला जी। हाँ, आज सुबह हम लोगों की बात हुई। हमारे मायके में भी रामलला जी, हमारे बाबा लोग पैदा नहीं हुए थे तब से विराजे हैं। तो बड़ा बड़ा मंदिर है, घर में ही लगा हुआ, पुराना महल है उसमें लगा हुआ मंदिर है रामलला जी का। तो बचपन से हम लोगों को संस्कार है रामलला जी का, रामचंद्र जी का। उनको छोड़ के हम लोग कोई भी पूजा करें तो पहले राम जी की पूजा तो करते ही हैं। राम जी की पूजा करते हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की धर्मपत्नी वीणा सिंह हैं और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भगवान राम की जो नगरी है अयोध्या, जहां उनका जन्म हुआ था, जहां उन्होंने एक लंबे समय तक देश में दुनिया के सामने एक राम राज्य की परिकल्पना को सार्थक रूप दिया था और आज भी देश दुनिया की सरकारें राम राज्य की परिकल्पना पर ही चलने को आतुर नजर आती हैं और अपनी बातों में बार बार इन तथ्यों को भी रखती हैं कि देश में राम राज्य स्थापित किया जाए, खासतौर पर बीजेपी की राजनीति के मूल में भगवान राम है। राम बीजेपी की सियासत का एक अहम हिस्सा भी है। हालांकि आज दौर सियासत का नहीं है, आज दौर राम की भक्ति का है। पूरा देश जब राम की भक्ति में सराबोर नजर आ रहा है तो हम और आप इस भक्ति की तस्वीरों को आपके सामने दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन श्याम के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।